और टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मिलिंद देवड़ा उनके संपर्क में थे और वो खेल खेल रहे थे। जयराम रमेश ने देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने की टाइमिंग को राहुल गांधी की न्याय यात्रा से भी जोड़ा। जयराम रमेश साहब मौजूद हैं, कहा यह जा रहा है कि जयराम साहब आप उनके संपर्क में भी थे, फिर भी उन्होंने आपकी भी नहीं सुनी। नहीं, ये तो वो खेल खेल रहे थे, बिल्कुल साफ हो गया है कि उन्होंने पहले ही मन बना लिया था और प्रधानमंत्री ने उनको कहा होगा कि आज ही निकलो, क्योंकि आज सारे देश में, सारे अखबारों में, चैनलों में, मीडिया में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत का हेडलाइन चल रहा है। तो एक 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मिलिंद देवड़ा का नाम स्क्रॉल पर आएगा। सर, उन्होंने लिखा है कि 55 सालों का मेरा, मेरे परिवार का पुराना रिश्ता रहा कांग्रेस से, उनके लिए भी दुख की अगर बात है तो आपके लिए भी झटका है? तो उनके पिताजी से कुछ सीखना चाहिए ना। सत्ता में थे कांग्रेस पार्टी, मुरली देवड़ा जी एक कट्टर कांग्रेसवादी थे। अगर हम सत्ता में हों या विपक्ष में हों, उन्होंने कभी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, कभी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। वो सांसद रहे, मंत्री रहे, हम विपक्ष में भी रहे हैं कई साल, इंदिरा जी के ज़माने में, राजीव गांधी जी के ज़माने में, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब वो सांसद थे और मंत्री भी थे।